बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद तंजील और आज हम ऑनर रिव्यू की 8th एपिसोड के साथ हाजिर हुए हैं। आज का ऑनर रिव्यू सुजुकी स्विफ्ट के ऊपर है। थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो 80s में सुजुकी जो जापान असेंबल्ड आती थी वो सुजुकी खैबर स्विफ्ट के नाम से आती थी, जो कि 80s के एरा में चली थी, और फिर जो 90s में खैबर के नाम से हो गई थी और स्विफ्ट का नाम बिल्कुल हट चुका था। पार्क सुजुकी ने दोबारा रिवाइव किया इसको 2006 और 7 के दरमियान, और जो है फिर ये सेकंड जनरेशन जो है पाकिस्तान में स्विफ्ट के नाम से इंट्रोड्यूस कराई गई। दो इंजन के ऑप्शन दिए गए थे, एक 1.0 में आती थी और एक 1.3 में अवेलेबल थी मार्केट में। 1.0 जो है पॉपुलर नहीं हो सकी थी तो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। दो वेरियंट इसमें आते हैं, DL और DLX, ऑटोमेटिक और मैनुअल की जो है इसमें ऑप्शन अवेलेबल थी। जानते हैं इसके ऑनर से इस गाड़ी को उनका रखने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे साथ उसैद रहमान मौजूद हैं, ये हमारे टीम मेंबर भी हैं, ऑफ कैमरा भी हमारे साथ ही होते हैं, और आज जो है ये ऑन कैमरा आए हैं अपना रिव्यू देने के लिए सुजुकी स्विफ्ट का। तो जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। तो उसैद, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप ऑन कैमरा आज आ गए फाइनली। सर बस आपकी वो है मेहरबानी। ठीक है, अच्छा सर आपकी मोहब्बत। अच्छा उसैद, मुझे आप सबसे पहले तो ये बता दें कि आपने हमारे व्यूवर्स को पहले तो आप ये बता दें ये गाड़ी का कौन सा वेरियंट है स्विफ्ट का, और आपके पास कब से है और आपने कितनी की परचेज करी थी? ये है एक्चुअली, ये 2015 मॉडल है सुजुकी स्विफ्ट 1.3 DLX। सही है। इसमें दो वेरिएंट है, ऑटो भी और मैनुअल भी। तो ऑटो गाड़ी भी रखी है लेकिन वो इतना अच्छा एवरेज नहीं देती, मतलब उसका एवरेज बहुत, जिसे कहते हैं कि लाइक अ सिविक, तो एवरेज के लिहाज से इतनी अच्छी गाड़ी नहीं है, तो इसलिए मुझे उसको बेच के ये मैनुअल पे आना पड़ा। ठीक है। अच्छा, तो आपने इससे पहले कौन सी गाड़ी रखी? इससे पहले एक तो मेरे पास सिविक है, वो मतलब डेली ड्राइव नहीं है, वो कभी कभार निकलती है, और डेली ड्राइव के लिए इससे पहले एक ऑल्टो ली थी, वो जस्ट लाइक न्यू थी, उस गाड़ी में मज़ा नहीं आया। लेकिन उससे पहले एक कल्टस थी, नई न्यू शेप जो कल्टस का चल रहा है वो निकलवाई थी, 0 मीटर ब्रांड न्यू, उस गाड़ी में मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद वो उससे स्विच की, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी उस कल्टस में, तो इस वजह से उसको स्विच किया कि नई गाड़ी में जब प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर आपको पता, फिर तो कुछ रिलायबल रहता नहीं है। फिर ऑल्टो ली, फिर लेकिन वो ऑल्टो में मज़ा ही नहीं आया ड्राइव, जबकि न्यू 0 मीटर निकलवाई थी लेकिन उसकी ड्राइव ही इतनी अच्छी नहीं थी, तो 600 किलोमीटर जस्ट मैंने चलाई, उसके बाद उसको रीसेल करके फिर मैंने बोला स्विफ्ट पर वापस आ जाओ। ये स्विफ्ट का जो आपका जो मशवरा था, ये आपका अपना ही डिसीजन था या फिर आप, या फिर घर में भी जो है आपको सबने कहा कि आपने ये गाड़ी यही लेनी है? नहीं, ये स्विफ्ट का डिसीजन तो बिल्कुल हम लोग सबका घर में मिलके डिसीजन लेते हैं गाड़ी के मामले में, या ऐसा कोई भी हो। सही है। तो घर से ही जब अब्बू भी चलाते थे वो भी बोलते थे यार वो मज़ा नहीं आ रहा ड्राइव में, ऑल्टो में भी, और वो बिल्कुल हल्की गाड़ी है मतलब इन शॉर्ट, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने बोला वापस स्विफ्ट पर ही आते हैं। तो ऑल्टो के इसका एवरेज उन गाड़ियों से कम है मतलब, लेकिन ये गाड़ी का चलाने का मज़ा है, इतनी थकन भी नहीं करती ये गाड़ियाँ, और ये स्विफ्ट उन गाड़ियों के मुकाबले में, और ये गाड़ी बहुत बेटर है उससे ग्रिप में भी और ड्राइव में भी और रिलायबिलिटी में भी। सही है। अच्छा उसैद, मुझे सबसे पहले एक मुझे ये बात बताएगा, इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट भी जो है इसका अवेलेबल है मार्केट में, व्हाई यू चूज मैनुअल, ऑटोमेटिक की तरफ आप क्यों नहीं गए? ऑटोमेटिक की तरफ मैंने आपको बताया कि उस गाड़ी का जो है एवरेज बिल्कुल अच्छा नहीं है ऑटो में स्विफ्ट का। ठीक है। तो वो बिल्कुल ऐसा समझा आप सिविक चला रहे हो ना, तो 8-9 का एवरेज देती है वो, तो इसलिए मुझे डेली ड्राइव के लिए गाड़ी चाहिए थी, तो इसलिए मैं मैनुअल पे आया, वरना ऑटो तो आपको पता है कि रिलैक्स, या आप कह लेंगे ट्रैफिक में जब आप जाते हैं तो ऑटो में ही वो है, लेकिन हमें फ्यूल इकोनॉमी देखनी है क्योंकि डेली ड्राइव गाड़ी है, तो इसलिए। सही। और ये आपने परचेज कितने की करी थी? ये परचेज मैंने करी थी 14 की, सेकेंड हैंड। 14 की आपने सेकेंड हैंड, आप सेकेंड ओनर हैं इसके? मैं सेकेंड ओनर। ठीक है। तो आपने ये मतलब किसी पार्टी से ली थी या फिर आपने? ये मैंने डीलरशिप से ली थी सुजुकी, क्योंकि मैं बाहर बहुत घूमा, मुझे तरीके की गाड़ी मिल नहीं रही थी, कभी किसी में कुछ मसला किसी में कुछ मसला, तो फिर एट लास्ट मैंने बोला कि चलो सुजुकी को ही ट्राई करें, यूज्ड कार में भी कभी ली नहीं, तो हमने इसलिए ट्राई करा कि चलो कुछ अच्छी गाड़ी होगी। तो ये गाड़ी भी फर्स्ट हैंड थी, जस्ट 45,000 किलोमीटर चली हुई, तो बस।
सही है। अच्छा, आप लेने के बाद आपने कुछ इसमें आफ्टर मार्केट चेंजेस कराएंगे? आफ्टर मार्केट इसमें एक बस LCD लगवाई है मैंने, और एक इसके सीट कवर्स बनवाए थे कि ओरिजिनल सीट कवर्स के साथ थी ये गाड़ी, ओरिजिनल सीट्स पे थी, तो मैंने इसमें लेदर सीट कवर डाले हैं, और एक मल्टीमीडिया लगवाया मैंने इसमें, एंड्रॉइड बैक कैमरा जस्ट। सही है। अच्छा, एवरेज क्या दे रही है आप? एवरेज ये विद इन अवर सिटी अच्छा है इसका, 11-12 देती है ये विद AC, विदाउट AC तो मैंने चलाया ही नहीं इसको, लेकिन मैं देसी 11-12 अच्छा कर लेती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल पे आप ये टोटली चला रहे हैं या फिर हाई ऑक्टेन इसमें डाल रहे हैं? ये मिक्स डलवाते हैं इसमें, वी पावर या कोई भी हाई ऑक्टेन हो, हाई ऑक्टेन और मतलब 50-50 का रेशियो रहता है, तो इस गाड़ी का अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छी ड्राइव है इस गाड़ी की। सही है। अच्छा, पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं मार्केट में कोई, और आप उसकी, आप दूसरा मुझे ये भी बताएगा कि उसकी प्राइस आपको कैसी लगती है? ओवर प्राइस तो नहीं लगते उसके पार्ट्स? एज यू नो कि ये सुजुकी है तो पार्ट्स तो आप जहाँ चले आए वहाँ इजीली, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें ये गाड़ी मैं कहता हूँ देखने के लिहाज से छोटी है, बाकी ये गाड़ी कम्प्लीट है, तो कम्प्लीट इन अ सेंस कि आप जब इसके अंदर बैठेंगे तो आपको एक ये फील नहीं आएगा कि आप एक छोटी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कि बड़ी गाड़ी का मैं नहीं कहूँगा लेकिन ये ऑलमोस्ट बड़ी गाड़ी वाला जो है प्रेशर देती है कि आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगेगा नहीं हैचबैक चला रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी ग्रिप बहुत आउट क्लास ग्रिप है, बहुत आउट क्लास ग्रिप है इस गाड़ी की, ज़मीन से चिपक के चलती है, मतलब अभी मैंने आप 130-140 पे भी जाएंगे ना तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं, ग्रिप वाइज बहुत आउट क्लास गाड़ी है। सही है। अच्छा, इसमें ABS ब्रेक्स हैं? ABS ब्रेक्स हैं इसमें। कैसा रिस्पॉन्स है ब्रेक्स का? ब्रेक्स वगैरह हर चीज़ नो डाउट बहुत आउट क्लास, बहुत आउट क्लास, बहुत अच्छी गाड़ी ओवरऑल। और आपने मुझे पार्ट्स का पूछा था इससे कि हाँ महंगे हैं नहीं है, वो बात वहीं रहेगी, तो बिल्कुल हाँ इसके पार्ट्स, क्योंकि इसमें इंजन वाइज, इंजन इसमें वो लियाना वाला है M30 ने, तो प्राइस थोड़े से हाई लगते हैं मुझे कि इस गाड़ी के हिसाब से और सुजुकी के लिहाज से ऑब्वियसली थोड़े से हाई हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं गाड़ी को देखूँ ना तो अगर मैं ये देखूँ मुझे इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, कॉम्पैक्ट कार भी मिल रही है और अच्छी ड्राइव, बिल्कुल अच्छी ड्राइव मिल रही है, लग्जरी तो नहीं लेकिन कम्फर्ट कहेंगे, कंफर्ट मिल रहा है, तो फिर मैं बोलूंगा कि नहीं सही है, अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है तो इट्स ओके। सही है। अच्छा, ग्राउंड क्लीयरेंस का क्या हिसाब किताब है? 3-4 लोग ऐसे पीछे बैठ जाते हैं? 3 लोग पीछे बैठ जाते तो थोड़ी बहुत लगती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, अच्छी है। मतलब जो है वो बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर जैसे जहाँ पर होते हैं तो वहाँ फिर हमें थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है, वरना तो बहुत ईजिली निकलती है, कोई इशू नहीं होता। सही है। अच्छा, इसमें एयरबैग्स वगैरह जो है आए थे? एयरबैग्स नहीं आए थे, ये मैं मिस करता हूँ, मतलब कि एक एयरबैग्स होने चाहिए थे, मतलब आप इसके अगर देखें मार्केट में तो विट्स 1.3 में शायद एक एयरबैग आया है, लेकिन इस गाड़ी में एयरबैग इनको देने चाहिए थे, जो कि इस गाड़ी की लैकिंग है सेफ्टी के लिहाज से। सही है। मतलब अगर मैं बात करूँ किसी चीज़ की कमी लगती तो आप बिल्कुल बिल्कुल एयरबैग्स में सेफ्टी, ऑब्वियसली बात है सेफ्टी कम फर्स्ट, यू नो। सही है। तो इस लिहाज से ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं पीरियोडिकली इसकी क्या मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाती है? ऑयल हो गया, पीरियोडिकली इसकी आती है 5-6,000 अगर हम इसका एयर फिल्टर चेंज कराएं और ऑयल चेंज कराएं, ऑयल फिल्टर तो नॉर्मली यही चेंज होता है, लगा शुगर, इसके अलावा इसने गाड़ी ने अभी तक कोई काम नहीं निकाला, बिल्कुल सही है, बस यही चीज़ें चेंज करानी पड़ती हैं और बस चलाएं। अच्छा, ये कितनी किलोमीटर चली हुई? मैंने 45 पे ली थी, अभी 46,500 हुई है, 1500 किलोमीटर चली। सही है। तो थ्रू आउट आप डीलरशिप से इसको मेंटेन करवा रहे हैं आप? जी लोकल? नहीं, थ्रू आउट डीलरशिप से, सुजुकी की डीलरशिप से मेंटेन होती है, 3-star डीलरशिप से। टोटली गाड़ी चेंज है कहीं से कोई टच अप? नहीं, टोटली। ठीक है। रीसेल कैसी है? क्योंकि लोगों का एक सवाल होता है हमारे व्यूअर्स का, यार गाड़ी हम वो देखें जो इस चीज़ की रीसेल अच्छी हो। रीसेल ऑब्वियसली वाला सुजुकी है तो सुजुकी की कोई भी गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती रीसेल में, लेकिन अभी जो सियाज आई भी है उसने काफी जो लोगों को डिसअपॉइंट किया वो जी, वो लेकिन वो बेसिकली लोकल प्रोडक्शन नहीं है ना, वो मलेशियन आई थिंक, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लोग बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ये है, लेकिन ये गाड़ी मतलब इतना आपको दुख नहीं देगी रीसेल में, अच्छी रीसेल है इसकी। इनफैक्ट मैं बोलूँगा अगर गाड़ी के लिहाज से देखा जाए तो एक सुजुकी की बहुत अच्छी गाड़ी है, एक कम्प्लीट कार जिसे कहते हैं, ऑल्दो ये छोटी है लेकिन इस गाड़ी का ड्राइव और इस लिहाज से बहुत आउट क्लास है। सही है। कोई कमी अभी भी लगती है कि यार कंपनी को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था या ये फीचर्स जो यार इसमें होना चाहिए? एक तो यही कि एयरबैग्स होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है कि सेफ्टी का वो है, और दूसरा ये कि इसके थोड़े से सस्पेंशन स्टिफ हैं तो उनको थोड़ा और अगर सस्पेंशन पे थोड़ा वर्क करते, थोड़ा और नरम सस्पेंशन होते, क्योंकि आपको लोकल रोड आपको पता है कितनी अच्छी नहीं है,
तो ये और बेटर हो सकती है। टोटल ये आप ये कहेंगे कि अच्छी सड़कों के लिए बनी है? नहीं, टोटल नहीं, चल जाती है, सही है, लेकिन और बेहतर हो सकता था इस गाड़ी में, मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। ठीक है, अच्छा। साइड ग्लास इसके रिट्रैक्टेबल हैं या फिर? नहीं नहीं नहीं, साइड ग्लास भी रिट्रैक्टेबल देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं, सिर्फ पावर है, पावर मिरर्स हैं, ये रिट्रैक्टेबल नहीं है। सही है। और इसके अलावा जो है बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी लगती है इसकी? बिल्ड क्वालिटी सुजुकी के लिहाज से देखा है तो सही, और गाड़ियों के लिहाज से सही है, वरना सही है। मतलब ऑलमोस्ट मतलब इसके इंटीरियर के आप प्लास्टिक वगैरह देखें तो इनफैक्ट इसकी क्वालिटी सिटी से बेटर है। सिटी से बेहतर है, सही है। अच्छा, एसी के परफॉर्मेंस कभी होता है कि डाउन हो रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा गर्मी हो, अल्लाह का शुक्र है कि अभी बिल्कुल गर्मी में भी एसी चलाया, मतलब एकदम डेली ड्राइव की है तो कोई इसमें वो नहीं दिखा, बहुत अच्छी कूलिंग थी, कोई ऐसा एहसास नहीं हुआ कि और बेहतर हो सकता है कुछ। सही। अच्छा, जैसे तीन से चार लोग जैसे बैठे होते हैं, जी जी, कभी फील होती है कि अंडर पावर्ड लग रही है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक तो ये 1300 cc बॉडी छोटी है, ऊपर से डॉग है इसका इंजन। सही है, तो इस लिहाज से अंडर पावर तो बिल्कुल भी नहीं। आप तीन या चार बंदे भी बिठा लें, पांच बंदे भी बिठा लें ओवरऑल गाड़ी में, तो कोई अंडर पावर वाला तो कोई सीन है ही नहीं इस गाड़ी में। सही है। इसके अलावा जो इसका हेड रूम लेग रूम है, आपकी हाइट के हिसाब से? मेरी हाइट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से 6 ही है, तो मुझे तो कभी कोई ब्लैक रूम कभी होता नहीं, बैठते हुए सड़ लग गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छी इसका हेड रूम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पेस आप खुद देख सकते हैं, और लेग रूम भी बहुत स्पेशियस है, पीछे से भी गाड़ी बहुत स्पेशियस है, मतलब तीन बंदे तो इजीली कंफर्टेबली बैठते हैं इसमें, कोई इशू नहीं होता। सही है। अच्छा, लॉन्ग जर्नीज पे जैसे लोग बैठ जाते हैं पीछे आगे जैसे तीन बैठ जाते हैं तो कंफर्टेबली मतलब बैठ जाते हैं, कोई मसला तो नहीं होता उनको पीछे? लॉन्ग जर्नीज पे अगर आप कहें तो मैं बोलूँगा दो बड़े और एक बच्चा अगर बैठे तो कंफर्टेबल पहुँच जाएंगे, तीन बैठेंगे तो लॉन्ग जर्नी पे मसला करेगी, मतलब विद इन अ सिटी तो कोई इशू नहीं होगा। लॉन्ग जर्नी पे आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम करें, क्योंकि अंदर को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है लॉन्ग जर्नी में, लॉन्ग ड्राइव में, तो इसलिए। सही है। अच्छा, अभी भी मतलब कुछ लगता है कि आपको यार कि ये चीज़ होती ना तो बस ये गाड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, जो मेन आपको लगता है कि यार ये तो उस पर तो होना ही चाहिए था लास्ट में ना गाड़ी में? ये एयर बैग बिल्कुल मैं मिस करता हूँ, और रिट्रैक्टेबल हो जाती तो एक और कम्प्लीट पैकेज हो जाता एक तरह से। बाकी मुझे ये गाड़ी खुद भी बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, तो मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगती है सच। सही है। और मतलब आप टोटली सेटिस्फाइड हैं? मैं बिल्कुल इस गाड़ी से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ और गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को, तो छोटी गाड़ी के लिहाज से एक तो इस गाड़ी जैसी ग्रिप आपको नहीं मिलेगी, इनफैक्ट विड्स में आप विड्स आप ड्राइव करें, विड्स की नो डाउट ड्राइव अच्छी है, लेकिन जो ग्रिप इस गाड़ी की है और जो आप पिक कह लें इस गाड़ी का, तो वो बिल्कुल और किसी गाड़ी में नहीं, बहुत अच्छी। मतलब सुजुकी एक बहुत अच्छी मॉडल है जो मुझे लिटरली बहुत पसंद है, और मैंने और गाड़ियां भी ट्राई की। सुजुकी में आपको इसी गाड़ी ने जो है सेटिस्फाई किया? बस आप ये कह सकते हैं, क्योंकि बाकी दो नई गाड़ियां निकलवाई लेकिन उसमें भी कोई मजा नहीं आया इतना, तो वापस आप खुद देखें ना, 600 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता। मैं जिसको बंदे को सेल कर रहा था वो कहता आप क्यों बेच रहे हैं, यार मुझे पसंद नहीं है ये गाड़ी चलने में। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा, मैं बोलूं इसको रेट करें आप 10 आउट ऑफ, तो कितने नंबर आप देंगे परफॉर्मेंस के लिहाज से? ऑल इन ऑल अगर इसको हम करें, मैं इसको दूंगा 8.5। अभी भी आप 8.5 अपने जो आपने वो जो माइनस की वो इसीलिए कि रिट्रैक्टेबल नहीं है, और रिट्रैक्टेबल नहीं है, और दूसरा ये कि एयरबैग्स नहीं है गाड़ी में, वो होने चाहिए थे, और थोड़े से सस्पेंशन वाइज मैं बोलूँगा थोड़ी स्टिफ है ये, और अगर बेहतर इसके सस्पेंशन होते थे गाड़ी नो डाउट फिर कोई कंपटीटर होता ही नहीं इसका, बहुत आउट क्लास गाड़ी है। सही है। अच्छा, इसके अलावा शायद मुझे आप ये बताइएगा इसकी ट्रंक कैपेसिटी कैसी है? ट्रंक कैपेसिटी छोटी गाड़ी के लिहाज से अगर मैं बोलूँ तो सही है, हैचबैक कार, हैचबैक कार सही है, मतलब आप एक सूटकेस रख सकते हैं, एक सूट अभी भी मतलब इतना स्पेस है, हाँ एक सूटकेस छोटा आप रख सकते हैं, और कोई थोड़ा बहुत काम का सामान इसमें रख सकते हैं, ऑल्दो मैंने वूफर लगाया हुआ है इसमें लेकिन फिर भी सही थोड़ी बहुत जगह बन जाती है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे आप ये बताइएगा कि इंटीरियर इन साइड पे आप लेकर गए इसको, वहाँ इसकी कैसी परफॉर्मेंस रही अगर आप लेकर गए? मैं ऐसे इतना इंटीरियर तो नहीं गया, मतलब मेरा हाईवे वगैरह भी ज़्यादा सफ़र हुआ है इंटीरियर पे भी बहुत, मतलब ज़्यादा कच्ची रोडों पे मेरा इससे इतना वो इतफाक नहीं हुआ ले जाने में अभी फ़िलहाल, तो अच्छा रिस्पॉन्स था, अच्छी चली, अच्छा लॉन्ग जर्नी पे इसने कोई कम मतलब कोई मेरी कमर में लगा नहीं कि
नहीं, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, बिल्कुल स्मूथली, कुछ भी नहीं, अल्लाह का शुक्र, एक तो है ही नहीं गाड़ी। और दूसरी बात ये कि जस्ट लाइक न्यू नहीं तो नहीं कहेंगे, लेकिन जस्ट लाइक न्यू है लेकिन, और बाकी कंपनी मेंटेन्ड है, हर चीज़ इसकी प्रॉपर टाइम पे होती है, तो अल्लाह का शुक्र है, ना हीटअप कोई इशू आया ना कोई इस तरह से। बस यही मुझे, मैंने आपको बताया कि थोड़ा बहुत सस्पेंशन का थोड़ा स्टिफ है इसके, सिर्फ उसके अलावा और कोई, अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत कम्फर्टेबली गए, कम्फर्टेबली आए, फैमिली के साथ गए, तो कोई ऐसा इशू नहीं। सही। अच्छा, इसमें दो वेरिएंट आए ना, एक DL और DLX। जी जी बिल्कुल। क्या डिफरेंस है इसमें? पहले DL आता था, फिर वो डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि उसमें एक तो चीज़ें भी कम थी और दूसरा वो इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ। तो क्योंकि इसमें ये कह लेंगे आप, ये फुल ऑप्शन टाइप कह लें इन्होंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें दी थी इन्होंने। उसमें फ़र्क ये है कि उसमें रिम नहीं आए थे उस गाड़ी में, व्हील कैप्स के साथ आती थी। इस गाड़ी में अलॉय रिम्स दिए हैं और फॉग लाइट्स दिए हैं, उस गाड़ी में फॉग लाइट्स नहीं आती थी। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो उसमें जो टायर आए हैं वो उसके अपने ओरिजिनल ही लगे हुए हैं, जो कंपनी फिटेड आए रिम्स वगैरह के साथ? जी जी जी, इसके टायर अपने सारे वही हैं, वही पूरी गाड़ी स्टॉक पे रखी हुई है, वही 15 के रिम टायर आए। फ्यूचर आपका कोई इरादा है इस पे? कोई भी नहीं, कोई कस्टमाइजेशन करने का गाड़ी के ऊपर? नहीं नहीं, कस्टमाइजेशन इस पे नहीं, क्योंकि ये फैमिली यूज कार है, डेली ड्रिवन कार है, तो इस पे कस्टमाइजेशन करना बेकार है। तो ये ऐसे ही बस, ये जो है माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छी है, ये बेस्ट है। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है एक दूसरी गाड़ी भी है, होंडा सिविक 2008 आई गेस। जी जी जी, सही है। उसका भी जो है जल्दी आपको रिव्यू जो है दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को, तो आप बता दीजिएगा। जी जी सर, वो तो कोई मसला नहीं, आप जब बोलेंगे वो आप बिल्कुल हो जाएगा उसका भी रिव्यू। सही है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का ऑनर रिव्यू, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा नीचे कमेंट में। इसके अलावा मैंने जो है नीचे फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप अपनी गाड़ी का एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें, हमारी टीम आपसे जल्द रब्ता करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।